नमस्कार बच्चों, गुरुकुल एकेडमी की नई वीडियो में आपका स्वागत है। और हम लोग विश्व की नदियों को इस समय पर डिस्कस कर रहे हैं। विश्व की नदियों के क्रम में आपने पिछले वीडियोज में एशिया की नदियों और अफ्रीका की नदियों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप तीन और महासागरों से घिरा है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप उत्तर में आर्कटिक महासागर से, पश्चिम में प्रशांत महासागर से और पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा है। तो जाहिर सी बात है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियाँ या तो आर्कटिक महासागर में गिरेंगी या प्रशांत महासागर में गिरेंगी और या अटलांटिक महासागर में गिरेंगी। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग आज के सेशन का पहला सवाल। आज के सेशन का पहला सवाल है, मिसिसिपी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आपके सामने ऑप्शन है इटास्का झील, सुपीरियर झील, ओंटारियो झील और रॉकी पर्वत। इसका सही जवाब है मिसिसिपी नदी का उद्गम इटास्का झील से होता है। आइए मैप में समझते हैं इसके मिसिसिपी नदी को। मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की मिसौरी के पश्चात दूसरी सबसे बड़ी नदी है और इस नदी का उद्गम ग्रेट लेक्स के पास में इटास्का झील से होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। और यह नदी फाइनली मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। इस नदी में मिसौरी नदी, अरकनसास नदी, रेड रिवर, टेनेसी नदी, ओहियो जैसी नदियां आकर के मिलती है। अमेरिका में मिसिसिपी और मिसौरी नदियों के बीच का जो मैदान है उसे ग्रेट प्लेन के नाम से जाना जाता है। तो जैसे ये आपके सामने मिसिसिपी नदी का एक प्रकार से डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। तो मिसिसिपी नदी का उद्गम इटास्का झील से होता है, ये बात आपको याद रखनी है, इटास्का झील से होता है। मिसिसिपी नदी की कुल लंबाई 3760 किलोमीटर है और जैसा कि हमने बताया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मिसौरी के पश्चात यह दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो 3760 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इटास्का झील से इसका उद्गम होता है और ये नदी दक्षिण की ओर बहते हुए गल्फ ऑफ मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। तो ये भी तथ्य आपको पता होना चाहिए कि मिसिसिपी नदी अपना मुहाना कहाँ पर बनाती है। और इसका सही जवाब है मिसिसिपी नदी अपना मुहाना मेक्सिको की खाड़ी में गिराती है। मिसिसिपी नदी की सहायक नदियों की अगर हम देखें तो एक नदी आपको याद रखना है मिसौरी। मिसौरी मिसिसिपी की सहायक नदी है। मिसौरी मिसिसिपी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और मिसौरी नदी का उद्गम रॉकी पर्वत से होता है, ये बात आपको याद रखनी है। मिसिसिपी नदी का उद्गम रॉकी पर्वत से होता है और रॉकी पर्वत से निकल करके मिसौरी नदी का उद्गम रॉकी पर्वत से होता है और रॉकी पर्वत से निकल करके मिसौरी नदी सेंट लुइस के पास मिसिसिपी नदी में मिल जाती है। मिसिसिपी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है मिसौरी नदी और मिसौरी की लंबाई मिसिसिपी की लंबाई से भी ज़्यादा है, इस तत्व को भी आप याद रखेंगे। और फिर इसके बाद में मिसिसिपी नदी में अरकनसास नदी आकर के मिलती है। तो अरकनसास भी मिसिसिपी की एक सहायक नदी है। रेड रिवर ये भी मिसिसिपी की एक सहायक नदी है और ओहियो नदी ये मिसिसिपी की सहायक नदी है। ओहियो नदी जब मिसिसिपी नदी में मिलती है तो इसमें जल की मात्रा मिसिसिपी नदी से भी ज़्यादा होती है। टेनेसी नदी वेरी इंपॉर्टेंट, टेनेसी नदी भी मिसिसिपी की एक सहायक नदी है। और टेनेसी की नदी के बारे में एक तथ्य जैसे आप याद रखिए कि भारत की जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है वो दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, यानी दामोदर नदी। आप जानते हैं कि दामोदर नदी को एक समय में पश्चिम बंगाल का सोक कहा जाता था और 1948 में दामोदर और इसकी सहायक नदियों कोनार, जमुनिया, बराकर में 8 बांधों का निर्माण किया गया। तो दामोदर और इनकी सहायक नदियों में जो बांध बनाए गए वो बांध अमेरिका में टेनेसी नदी की तर्ज पर बनाए जाते थे। जिस प्रकार से दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में सोक का कारण थी उसी प्रकार से टेनेसी नदी के कारण भी अमेरिका में बाढ़ें आती रहती थी। तो टेनेसी नदी पर बांधों का निर्माण किया गया, बाढ़ के पानी को इकट्ठा किया गया और उस बाढ़ के पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए किया गया।
तो भारत में भी टेनेसी नदी के तर्ज पर झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहने वाली दामोदर और दामोदर की सहायक नदियों कोनार, जमुनिया, बराकर पर 8 बांधों का निर्माण किया गया। इन बांधों में जैसे बराकर नदी पर जो है मैथान बांध, तिलैया बांध और दामोदर नदी पर पंचेत हिल डैम जैसे प्रसिद्ध हैं। तो पूछा जाता है परीक्षाओं में कि भारत में जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, यानी भारत की जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, का निर्माण अमेरिका की किस नदी की तर्ज पर किया गया है, तो इसका सही जवाब है टेनेसी नदी। और टेनेसी नदी किसकी सहायक नदी है? टेनेसी नदी मिसिसिपी की सहायक नदी है। तो आपको याद रखना है मिसिसिपी की सहायक नदियों में एक तो मिसौरी है, अरकनसास है, रेड रिवर है, ओहियो नदी है और टेनेसी नदी है, और फाइनली मिसिसिपी नदी पंजाकार डेल्टा बनाते हुए, यह दूसरा सवाल है जो कंपटीशन में पूछा जाता है कि मिसिसिपी नदी किस प्रकार का डेल्टा बनाती है, तो इसका सही जवाब होगा पंजाकार डेल्टा, बर्ड फुट डेल्टा। जैसे भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है, जिसे हम दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा, वो एक चाप के आकार का डेल्टा है, चापाकार डेल्टा है। लेकिन मिसौरी नदी के द्वारा गल्फ ऑफ मैक्सिको में जो डेल्टा बनाया जाता है वो बर्ड फुट डेल्टा है। तो बर्ड फुट डेल्टा किसके द्वारा बनाया जाता है? मिसिसिपी नदी के द्वारा बनाया जाता है। मिसिसिपी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? मिसौरी है। मिसौरी की लंबाई मिसिसिपी से भी ज़्यादा है, और मिसौरी और मिसिसिपी नदियों, मिसौरी और मिसिसिपी नदियों के बीच का जो मैदान स्थित है उसे अमेरिका में ग्रेट प्लेन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये जो आपको मैदान दिख रहा है मिसौरी और मिसिसिपी नदियों के बीच में, मिसौरी और मिसिसिपी नदियों के बीच में, वो बेटा ग्रेट प्लेन के नाम से जाना जाता है। इसको कहा जाता है ग्रेट प्लेन। तो पूछा जाए ग्रेट प्लेन कहाँ पर है? यूएसए में है। इसकी लोकेशन क्या है? मिसौरी और मिसिसिपी नदियों के बीच में ही ग्रेट प्लेन है। और आगे जब हम लोग साइक्लोन वगैरह पर वीडियो बनाएंगे तो एक बवंडर आपको यहाँ पर सीखना होगा, टॉर्नेडो। टॉर्नेडो एक बवंडर होता है। इस टॉर्नेडो नामक बवंडर की उत्पत्ति भी इसी ग्रेट प्लेन में होती है, और ये बवंडर मेक्सिको की खाड़ी में जाकर के समाप्त हो जाता है। इसलिए मिसिसिपी और मिसौरी को टॉर्नेडो की एली भी कहा जाता है, यानी ग्रेट प्लेन को टॉर्नेडो की एली भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हमने आपको बताई इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको आप याद रखेंगे, मिसिसिपी और मिसौरी नदियों से संबंधित। और पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो सबसे बड़ा नदी तंत्र है उसे हम लोग कहते हैं मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन का निर्माण कोलोराडो नदी करती है। कोलोराडो नदी जिसकी लंबाई लगभग 2330 किलोमीटर है, और इस नदी का उद्गम अमेरिका में कोलोराडो प्रांत से होता है। रॉकी पर्वत से इस नदी का उद्गम होता है, और फाइनली यह नदी अमेरिका और मेक्सिको देशों में बहती हुई कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिर जाती है। कोलोराडो नदी के द्वारा एक बहुत विश्व प्रसिद्ध कैनियन का निर्माण किया जाता है, जिसे ग्रैंड कैनियन के नाम से जाना जाता है। इसी कोलोराडो नदी पर एक बांध पूछा जाता है जिसे हूबर बांध के नाम से जाना जाता है। यह कोलोराडो नदी अमेरिका के दो राज्यों कैलिफोर्निया और एरिजोना की सीमा बनाती है। कुछ बॉर्डर कोलोराडो नदी अमेरिका और मेक्सिको का भी बनाती है। तो आइए मैप के द्वारा समझते हैं कोलोराडो नदी, जिसकी लंबाई लगभग 2330 किलोमीटर है। तो देखो बच्चों, ये कोलोराडो नदी का आपका मैप है, और इस कोलोराडो नदी का उद्गम रॉकी पर्वत से होता है। रॉकी पर्वत से कोलोराडो नदी का उद्गम होता है। कोलोराडो प्रांत से नदी निकलती है, और इस प्रकार से कोलोराडो प्रांत से बहते हुए एरिजोना प्रांत में आती है, और यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर ये कोलोराडो नदी कई सारे कैनियन का निर्माण करती है। इन कैनियन में जो सबसे बड़ा कैनियन है उसे ग्रैंड कैनियन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है, और फिर इसके बाद में यहाँ पर देखिए, जैसे ये नेवाडा है, अमेरिका का एक प्रांत है नेवाडा, लास वेगास,
तो लास वेगास के पास में इस नदी पर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बांध बना हुआ है, जिसे हूबर बांध के नाम से जाना जाता है। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि हूबर बांध का संबंध किस नदी से है, तो इसका सही जवाब होगा हूबर बांध का संबंध कोलोराडो नदी से है और ये लास वेगास के पास बना हुआ है। फिर इसके बाद में यह जो कोलोराडो नदी है वो अमेरिका के एरिजोना और कैलिफोर्निया राज्य का बॉर्डर बनाती है। कुछ बॉर्डर करीब करीब 39 से 40 किलोमीटर का लंबाई का जो बॉर्डर है कोलोराडो नदी अमेरिका और मेक्सिको के बीच बनाती है, और अमेरिका और मेक्सिको के बीच बनाती हुई यह नदी गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में जा कर के गिर जाती है। तो अगर इसका मुहाना पूछा जाए कोलोराडो नदी का, कि कोलोराडो नदी का मुहाना कहाँ पर है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में, और आप जानते हैं ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है, कैलिफोर्निया की खाड़ी का संबंध प्रशांत महासागर से है, ठीक है, तो यहाँ पर ये कैलिफोर्निया की खाड़ी में कोलोराडो नदी अपना मुहाना बनाती है। उद्गम इसका कहाँ से होता है, रॉकी पर्वत से होता है। ग्रैंड कैनियन, विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन का निर्माण किस नदी के द्वारा किया जाता है, कोलोराडो नदी के द्वारा। और हूबर बांध और मीड झीलों का संबंध किससे है, कोलोराडो नदी से। आइए हम लोग आपको एक ग्रैंड कैनियन का एक चित्र दिखाते हैं। कैनियन आप जानते हैं किसे कहते हैं, कि जब नदी प्रवाहित होती है तो नदी दोनों प्रकार के अपरदन करती है, नदी वर्टिकल इरोजन भी करती है और हॉरिजेंटल इरोजन भी करती है। अक्सर पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों में नदियाँ हॉरिजेंटल इरोजन कम और वर्टिकल इरोजन ज़्यादा करती है, तो वर्टिकल इरोजन ज़्यादा होने के कारण नदियाँ गहरी गहरी खाइयों का निर्माण करती हैं। इन्हीं खाइयों को गॉर्ज या कैनियन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जैसे आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई हार्ड रॉक है, ठीक है, यहाँ पर हार्ड रॉक है और यहाँ पर बच्चों सॉफ्ट रॉक है, ठीक है, यहाँ पर सॉफ्ट रॉक है, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक। तो जब इस प्रकार से अल्टरनेटिव रूप से हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक व्यवस्थित होती हैं, और इन रॉक्स के ऊपर यदि कोई नदी बहती है तो नदी के द्वारा हार्ड रॉक्स का अपरदन कम होगा और सॉफ्ट रॉक्स पर अपरदन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सॉफ्ट रॉक पर अपरदन ज़्यादा होते होते पहले तो नदी यू आकार की घाटी बनाती है, और फिर उसके बाद में यही यू आकार की घाटी जब गहरी होती है तो उसको हम गॉर्ज कहते हैं, और यदि यह और ज़्यादा गहरी होती है तो हम उसको कैनियन के नाम से जानते हैं। याद रखें, कैनियन नामक स्ट्रक्चर का निर्माण नदियों के द्वारा किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में नदियां कैनियन गॉर्ज वी आकार की घाटी और वाटरफॉल बनाती हैं, और कैनियन का मतलब है कि नदी के द्वारा जब गहरी गहरी खाइयों का निर्माण किया जाता है, खड्डों का निर्माण किया जाता है, तो उसको कैनियन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये कोलोराडो नदी के द्वारा बनाया गया कैनियन है, और इस प्रकार से कोलोराडो नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट सवाल, और ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, चित्र दिखाई दे रहा है सुंदर सा, ये असल में एक बांध है और इसी बांध का नाम है हूबर बांध, ठीक है, ये हूबर बांध का चित्र है बच्चों। आइए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ग्रैंड कुली बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए कोलंबिया नदी, ऑप्शन बी नाइजर नदी, ऑप्शन सी कोलोराडो नदी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कोलंबिया नदी। जहाँ तक कोलंबिया नदी का सवाल है, तो कोलंबिया नदी कनाडा और अमेरिका में प्रवाहित होने वाली एक नदी है। इस नदी की लंबाई लगभग 2000 किलोमीटर है। इस नदी का भी उद्गम रॉकी पर्वत से होता है। पहले ये कनाडा में बहती है, फिर इसके बाद में अमेरिका में आती है, और अमेरिका से ये प्रशांत महासागर में गिर जाती है पोर्टलैंड शहर के पास से। तो आइए मैप में देखते हैं कोलंबिया नदी को। ये कोलंबिया नदी है, कोलंबिया नदी का उद्गम कनाडा से होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जैसे ये कनाडा का अल्बर्टा प्रांत है, ये कनाडा का मोंटाना प्रांत है, यहाँ रॉकी पर्वत है,
तो रॉकी पर्वत से इस नदी का उद्गम होता है और इस प्रकार से पहले तो ये उत्तर दिशा की ओर बहती है, फिर इसके बाद में एक शार्प बैंड लेते हुए दक्षिण दिशा की ओर बहती है और अमेरिका में वाशिंगटन जैसे राज्यों से बहती हुई पोर्टलैंड के पास से पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर में जाकर के गिर जाती है। तो इस नदी का बहाव आपको याद रखना है, इस नदी का मुहाना है प्रशांत महासागर। इसी नदी में अमेरिका में एक बांध बना हुआ है जिसे ग्रैंड कुली बांध के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ग्रैंड कुली बांध। तो ये जो बांध है, ये बांध ग्रैंड कुली बांध है, ये बांध कोलंबिया नदी पर बना हुआ है। और देखिए कोलंबिया, ठीक है, कोलंबिया पर अगर हम देखें तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोलंबिया एक देश भी है, ठीक है, कोलंबिया एक देश भी है। और ये कोलंबिया देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। कोलंबिया एक नदी भी है। और ये नदी दो देशों से बहती है, एक देश है कनाडा और दूसरा देश है USA, ठीक है। फिर देखिए आपसे ब्रिटिश कोलंबिया के बारे में पूछा जा सकता है, ब्रिटिश कोलंबिया। तो जो ब्रिटिश कोलंबिया है वो कनाडा का एक प्रांत है। जैसे हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसी प्रकार से कनाडा के एक प्रांत का नाम है ब्रिटिश कोलंबिया। इसके अलावा कोलंबिया पठार भी है और ये कोलंबिया पठार USA में पाया जाता है। तो आप देख रहे हैं कोलंबिया से कई सारे तथ्य आपको मिल रहे हैं। कोलंबिया एक देश का नाम है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश का नाम है कोलंबिया। कोलंबिया एक नदी भी है, यह नदी कनाडा और USA में प्रवाहित होती है। और हम जो डिस्कस कर रहे हैं इस सवाल में वो कोलंबिया नदी को ही डिस्कस कर रहे हैं। ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा का एक राज्य है और कोलंबिया पठार पूछा जाए तो यह कोलंबिया पठार अमेरिका का एक पठार है। बच्चों सेशन का अगला सवाल है, USA और मेक्सिको की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए रियो ग्रैंडे नदी, ऑप्शन बी कोलोराडो नदी, ऑप्शन सी मिसिसिपी नदी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का सही जवाब है रियो ग्रैंडे नदी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नदी है रियो ग्रैंडे नदी। पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो अमेरिका और मेक्सिको की सीमा बनाती है। तो वैसे तो हमने एक नदी पढ़ा हुआ था कोलोराडो नदी, ये अमेरिका और मेक्सिको की सीमा बनाती है, लेकिन ये नदी बहुत छोटा बॉर्डर बनाती है, करीब करीब 39 से 40 किलोमीटर का बॉर्डर बनाती है। लेकिन बहुत लंबा बॉर्डर, करीब करीब 2000 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर बनाती है। आप सोचिए 2000 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर बनाती है रियो ग्रैंडे नदी अमेरिका और मेक्सिको के बीच में। जहाँ तक इस नदी का सवाल है तो इस नदी का उद्गम भी रॉकी पर्वत से होता है अमेरिका में और फिर ये इसके बाद में मेक्सिको में जाती है और एल पासो से लेकर के मेक्सिको की खाड़ी तक करीब करीब 2000 किलोमीटर का ये बॉर्डर बनाती है रियो ग्रैंडे नदी। और इस नदी की लंबाई लगभग 3051 किलोमीटर है, लगभग 350 किलोमीटर भी आप कह सकते हैं। तो 3051 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है और इसमें से करीब 2000 किलोमीटर का यह बॉर्डर बनाती है अमेरिका और मेक्सिको के बीच। तो देखिए मैप में इसको देखिए, रियो ग्रैंडे नदी को यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है रियो ग्रैंडे नदी का उद्गम रॉकी पर्वत से होता है। रॉकी पर्वत यानी अमेरिका में एक राज्य है कोलोराडो प्रांत, तो कोलोराडो प्रांत से कोलोराडो नदी का भी उद्गम होता है और कोलोराडो प्रांत से रियो ग्रैंडे नदी का भी उद्गम होता है। कोलोराडो प्रांत से निकल करके यह न्यू मैक्सिको में आती है। अब देखो न्यू मैक्सिको, इसको एक बार एग्जाम में पूछा गया है न्यू मैक्सिको कहाँ पर स्थित है। तो देखो मैक्सिको एक देश का नाम है और न्यू मैक्सिको अमेरिका के 50 राज्यों में से एक राज्य है। तो न्यू मैक्सिको एक प्रांत है अमेरिका का। तो न्यू मैक्सिको यदि एग्जाम में पूछा जाए तो ये इसका सही जवाब होगा USA, और मैक्सिको एक देश है। तो कोलोराडो प्रांत से इसका उद्गम होता है, न्यू मैक्सिको में आती है और फिर देखो ये जगह यहाँ पर लिखा हुआ बच्चों एल पासो से लेकर के
ये गल्फ ऑफ मेक्सिको तक, ठीक है, लगभग 2000 किलोमीटर का बॉर्डर, लगभग 2000 किलोमीटर का बॉर्डर रियो ग्रेंडे नदी बनाती है यूएसए और मेक्सिको के साथ में। और अमेरिका का ये एक राज्य है जिसका नाम है टेक्सास, ठीक है। तो टेक्सास, तो आप देख रहे हैं मेक्सिको, इधर मेक्सिको है और इधर यूएसए है। और ये नदी, ठीक है, ये नदी यहाँ पर, ठीक है, रियो ग्रेंडो नदी इस प्रकार से यहाँ पर मेक्सिको की खाड़ी में जा कर के गिर जाती है। तो इसका मुहाना यदि पूछा जाए कि रियो ग्रेंडो नदी का मुहाना कहाँ पर है, मेक्सिको की खाड़ी में, उद्गम इसका कहाँ से होता है, रॉकी पर्वत से। और इस नदी की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि यह अमेरिका और मेक्सिको की सीमा बनाती है। नेक्स्ट सवाल, विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन ए सेंट लॉरेंस नदी, ऑप्शन बी हडसन नदी, ऑप्शन सी कोलंबिया नदी और ऑप्शन डी फ्रेजर नदी। ठीक है, ये फ्रेजर नहीं है, फ्रेजर नदी है। तो विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी बनाने वाली नदी है सेंट लॉरेंस नदी, ऑप्शन ए सेंट लॉरेंस नदी। देखो सेंट लॉरेंस नदी, जैसे हम पढ़ते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया जाता है। इस डेल्टा का विस्तार भारत और बांग्लादेश जैसे देशों में है और इस डेल्टा को हम लोग सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। और आप ये जानते हैं कि नदियाँ का जो मुहाना होता है, ठीक है, नदियों का जो मुहाना होता है यानी माउथ, और मुहाना किसे कहते हैं, अगर कोई मुख्य नदी है तो ये मुख्य नदी जहाँ से सागर या महासागर में गिरती है उसी को नदी का माउथ कहते हैं। ये नदी का माउथ या मुहाना दो प्रकार का हो सकता है, या तो यह मुहाना डेल्टा प्रकार का होगा और या तो यह मुहाना बच्चों एश्वरी प्रकार का होगा, या तो मुहाना डेल्टा प्रकार का होगा या तो मुहाना एश्वरी प्रकार का होगा। किस मुहाने को डेल्टा प्रकार का मुहाना कहते हैं कि अगर नदियाँ अपने द्वारा बहाकर लाए गए सेडिमेंट्स का डिपॉजिट करती हैं तो नदियों के ऐसे मुहाने को डेल्टा कहते हैं, और अगर नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए सेडिमेंट्स समुद्र में गिरा दिए जाते हैं तो नदियों के ऐसे मुहाने को एश्वरी के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसके पीछे के अन्य कारण होते हैं कि मुहाना नदियों का डेल्टा टाइप का कब बनेगा, एश्वरी टाइप का कब बनेगा। जैसे मुहाना बनने के लिए कुछ कंडीशनें होती हैं कि नदियों का वेग कम होना चाहिए, जल की तुलना में नदियों में सेडिमेंट्स यानी अवसाद की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए, और नदी जहाँ से सागर या महासागर में गिर रही है वहाँ पर आम तौर पर ज़्यादा ज्वार भाटा नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा ज्वार भाटा आएंगे तो फिर जो ज्वार भाटा होते हैं, लहरें होती हैं समुद्र की, उनके साथ में नदियों के द्वारा डिपॉजिट किए गए अवसाद बहकर के सागरों में चले जाते हैं। तो ये दो तीन कंडीशनें इम्पोर्टेंट होती हैं मुहाना बनने के लिए। पहला नदियों का वेग कम होना चाहिए, अवसाद नदियों का अधिक होना चाहिए और तट ज्वार भाटा से मुक्त होना चाहिए। और यदि आप इसी को उल्टा कर दोगे तो ऐश्वरी आ जाएगी, ऐश्वरी की नदियों की लंबाई आमतौर पर कम होती है इसलिए उनमें अवसाद की मात्रा कम होती है, नदियों का वेग ज़्यादा होता है, और जिस तट पर ज्वार भाटा ज़्यादा आते हैं आम तौर पर वहाँ पर डेल्टा नहीं बल्कि एश्वरी बनती है। जैसे भारत में भी आप देखोगे, ठीक है, भारत में भी आप देखोगे कि भारत में बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं, भारत में बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं, ठीक है, वो आपकी बच्चों डेल्टा बनाती है। और भारत में अरब सागर में जो नदियाँ गिरती हैं, अरब सागर में जो नदियाँ गिरती हैं वो सामान्य तौर पर एश्वरी का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो भारत से हम देखेंगे, जैसे इंडिया है तो इंडिया में हम लोग देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरेंगी, ठीक है, जैसे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ भारत में स्वर्णरेखा नदी है, ब्राह्मणी नदी है, वैतरणी नदी है, महानदी है, ठीक है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये जितनी भी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो सारी की सारी डेल्टा बनाती है। और इधर अरब सागर में गिरने वाली जो नदियाँ हैं भारत में, अरब सागर में गिरने वाली जो नदियाँ हैं, जैसे नर्मदा नदी है या आपकी तापी नदी है या आपकी साबरमती नदी है, ठीक है, माही नदी है, सरावती नदी है, तो ये सारी की सारी नदियाँ एश्वरी बनाती है। तो एश्वरी किसे कहते हैं,
एस्ट्री किसे कहते हैं? नदियों का ऐसा मुहाना जहाँ से नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद समुद्र में गिरा दिए जाते हैं, नदियों के उस मुहाने को ही एस्ट्री कहते हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी एस्ट्री का निर्माण सेंट लॉरेंस नदी के द्वारा किया जाता है। तो आइए मैप के माध्यम से समझते हैं सेंट लॉरेंस नदी। देखिए अमेरिका में हम लोग ग्रेट लेक्स आगे चल करके पढ़ेंगे, विश्व की झीलों पर एक वीडियो बनाएंगे हम लोग, और उस वीडियो में हम लोग अमेरिका की ग्रेट लेक्स की चर्चा करेंगे। अमेरिका का मतलब संयुक्त अमेरिका महाद्वीप, और इन ग्रेट लेक्स ये पाई जाती हैं आपकी अमेरिका में और कनाडा में। इस ग्रेट लेक्स के अंतर्गत आप 5 झीलें पढ़ेंगे, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरोन झील, इरी झील और ओंटारियो झील। आप जानते हैं कि मीठे पानी की दुनिया में सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। वैसे विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, जो ईरान, अजरबैजान, रूस, तुर्कमेनिस्तान या कजाकिस्तान जैसे देशों से लगी हुई है। लेकिन अगर दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछा जाए तो इसका सही जवाब होगा सुपीरियर झील, और ये सुपीरियर झील कनाडा और यूएसए के मैक्सिको पर स्थित है। डुलुथ जैसे जो शहर है वो सुपीरियर झील के किनारे ही स्थित हैं। अमेरिका में एक बहुत फेमस जगह है मेसाबी रेंज, जहाँ से बड़ी मात्रा में लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। ये मेसाबी रेंज भी सुपीरियर झील के पास में है, और ऐसा कहा जाता है कि आज अमेरिका अगर दुनिया का इतना बड़ा विकसित देश है तो उसमें से बहुत बड़ा रोल इन ग्रेट लेक्स का ही है, क्योंकि ग्रेट लेक्स अमेरिका में और कनाडा में एक बहुत बड़ा व्यापारिक वाणिज्यिक तंत्र है, और एक प्रकार से इंटरनल वाटरवे का एक बहुत बड़ा सोर्स भी है अमेरिका की ग्रेट लेक्स। बड़े बड़े जहाज जो है मेक्सिको की खाड़ी से होते हुए ग्रेट लेक्स पहुँचते हैं। हाँ, ये आपके अटलांटिक महासागर से ग्रेट लेक्स होते हैं। तो ग्रेट लेक्स अमेरिका और कनाडा की एक आंतरिक जलमार्ग का काम करती हैं, और दुनिया में सबसे ज़्यादा आंतरिक जलमार्गों का विकास यूरोप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही हुआ है। तो ग्रेट लेक्स में, जैसे ये आपको ग्रेट लेक्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है, और आप यहाँ पर देखोगे ये ग्रेट लेक्स का एरिया यहाँ पर मिलेगा। इसको हम थोड़ा सा बड़े में दिखा रहे हैं आपको। जैसे ग्रेट लेक्स में अगर आप पश्चिम से पूरब की ओर चलोगे बच्चों, तो सबसे पहले मिलेगी सुपीरियर झील, इसके बाद मिलेगी मिशिगन झील, इसके बाद ह्यूरोन झील, इरी झील और ओंटारियो झील। तो अगर आप पश्चिम से पूरब की ओर जाओगे तो पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर इन झीलों का क्रम कुछ इस प्रकार से होगा, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी और ओंटारियो। इनमें से मिशिगन झील पूरी तरह से यूएसए में स्थित है, और मिशिगन के अलावा ये जो 4 झीलें हैं सुपीरियर, ह्यूरोन, इरी और ओंटारियो, ये चारों झीलें कुछ ना कुछ अमेरिका और यूएसए का बॉर्डर बनाती हैं। जैसे आपको सुपीरियर, ठीक है, जैसे ये थंडर बे शहर है सुपीरियर झील के किनारे पर बसा हुआ है, ये डुलुथ शहर है सुपीरियर झील के किनारे पर बसा हुआ है, और अमेरिका में जो शिकागो शहर है, ठीक है, ये बेटा मिशिगन झील के किनारे पर स्थित है मिशिगन, और आपका जैसे क्लीवलैंड हो गया, ठीक है, डेट्रायट हो गया, इरी वगैरह हो गए, ये शहर इरी झील के किनारे पर बसे हुए हैं, ठीक है, थीके? और इस प्रकार से आपका जैसे हैमिल्टन हो गया, टोरंटो हो गया, ये शहर ओंटारियो झील के किनारे पर बसे हुए हैं। तो ग्रेट लेक्स में ओंटारियो झील से ही सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम होता है, ठीक है। तो ये सेंट लॉरेंस नदी है जिसका उद्गम ओंटारियो झील से होता है, और ये सेंट लॉरेंस नदी इस प्रकार से प्रवाहित होती हुई जाकर के कहाँ पर गिर जाती है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, यानी सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। अब यहाँ पर यदि आप देखोगे तो सेंट लॉरेंस खाड़ी आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। इस प्रकार से सेंट लॉरेंस खाड़ी मतलब यहाँ पर कौन सा महासागर पड़ेगा, अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर में ही सेंट लॉरेंस खाड़ी है, वहीं पर ये नदी आपकी गिरती है। तो देखिए सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ओंटारियो झील से होता है, और सेंट लॉरेंस नदी कहाँ पर जाकर के गिरती है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। सेंट लॉरेंस खाड़ी का संबंध किस महासागर से है, अटलांटिक महासागर से है, और यहाँ पर ये एस्चुरी बनाती हुई गिरती है। अब देखिए
कनाडा में एक शहर है क्यूबेक शहर, बच्चों ये याद रखिएगा, क्यूबेक क्यूबेक किस नदी के किनारे पर स्थित है, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे पर स्थित है। कनाडा का एक बहुत प्रसिद्ध शहर है मॉन्ट्रियल, ओजोन प्रोटोकॉल हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हम लोग पढ़ते हैं कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित 16 सितंबर 1987 को यहाँ पर एक बैठक हुई और जिसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक प्रोटोकॉल पर साइन किए गए जिसे हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। तो मॉन्ट्रियल कनाडा का बहुत प्रसिद्ध शहर है और ये मॉन्ट्रियल शहर भी किस नदी के किनारे पर स्थित है, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे पर स्थित है। और कनाडा की राजधानी है बच्चों ओटावा, ओटावा, और ओटावा एक नदी भी है, ओटावा कनाडा की राजधानी भी है, ओटावा सहायक नदी है सेंट लॉरेंस की, और कनाडा की राजधानी ओटावा इसी ओटावा नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। तो ये तथ्य आपको पता होने चाहिए सेंट लॉरेंस नदी से। आइए अगला सवाल, कनाडा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, कनाडा की सबसे बड़ी नदी, और देखो सेंट लॉरेंस नदी से जैसे आपको एक तथ्य और याद रखना है कि ये जो बच्चों ये कनाडा का एक पठारी भाग है, इसको हम लोग लॉरेंसियन शील्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है, लॉरेंसियन शील्ड। और ऐसा जैसे भारत में हम लोग डेक्कन ट्रैप पढ़ते हैं कि आज से बहुत समय पहले भारत में ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ और उस ज्वालामुखी से बेसाल्टिक लावा निकला, यह बेसाल्टिक लावा भारत के लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैल गया जिनमें महाराष्ट्र का लगभग बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है, गुजरात है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, ठीक, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड वाला है। तो इसको हम पूरे क्षेत्र को डेक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। तो डेक्कन ट्रैप का निर्माण वोल्केनिक इरप्शन से निकले बेसाल्टिक लावा के कारण हुआ है। उसी प्रकार से कनाडा में भी एक प्रकार का ऐसा ही पठारी क्षेत्र पाया जाता है और जहाँ पर कनाडा में बड़ी मात्रा में खनिज संसाधन मिलते हैं, सडबरी खान वगैरह इसी लॉरेंसियन शील्ड में स्थित हैं। तो ये कनाडा का लॉरेंसियन शील्ड कहलाता है और इसी लॉरेंसियन शील्ड से होकर के ये नदी प्रवाहित होती है, सेंट लॉरेंस नदी। तो अगला सवाल है, कनाडा की सबसे बड़ी नदी कौन है, ऑप्शन ए मैकेंजी नदी, ऑप्शन बी यूकन नदी, ऑप्शन सी चर्चिल नदी, ऑप्शन डी सेंट लॉरेंस नदी। कनाडा की सबसे बड़ी नदी है मैकेंजी नदी, ठीक है, मैकेंजी नदी, और यह मैकेंजी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई आर्कटिक महासागर में गिरती है, ब्यूफोर्ट सागर में, ठीक है। यूकॉन नदी ये कनाडा और अलास्का से बहती है और यूकॉन नदी प्रशांत महासागर में बेरिंग सागर में गिरती है। चर्चिल नदी ये भी कनाडा में जो है बहती है और ये बच्चों गिरती है हडसन की खाड़ी में गिरती है। तो आइए मैप में देखते हैं मैकेंजी नदी को, ठीक है, मैकेंजी नदी, देखिए ये मैकेंजी नदी है और कनाडा में एक झील है जिसका नाम है ग्रेट स्लेव लेक, तो ग्रेट स्लेव लेक से ये मैकेंजी नदी निकलती है और फिर ये बच्चों, ठीक है, इस प्रकार से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है और ये ब्यूफोर्ट सागर आर्कटिक महासागर का एक सीमांत सागर है, ठीक है, यहाँ पर आर्कटिक महासागर है तो आर्कटिक महासागर का एक सीमांत सागर है ब्यूफोर्ट सागर, ठीक है, यहाँ पर ब्यूफोर्ट सागर है तो यहाँ पर ये नदी गिरती है, इस नदी का नाम है मैकेंजी नदी। और ये झील वगैरह भी याद रखिएगा, जैसे ग्रेट बियर झील ये कनाडा में पाई जाती है, 66.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा इसी ग्रेट बियर झील से प्रवाहित होती है, ग्रेट स्लेव लेक, अथावास्का झील, विनिपेग झील, मनीटोबा झील, रेंडियर झील, ये तमाम सारी झीलें कनाडा में पाई जाती हैं। और अभी आपने जो चर्चिल नदी है, ठीक है, चर्चिल नदी बच्चों ये हडसन की खाड़ी में गिरती है। अगर ये पूछा जाए कि विश्व में सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन किस खाड़ी की है तो इसका सही जवाब है हडसन की खाड़ी, विश्व में सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन हडसन की खाड़ी की है, ठीक है, हडसन की खाड़ी। और फिर एक नदी यूकन नदी हम लोग आगे देखेंगे,
यूकान नदी कनाडा और अलास्का से प्रवाहित होती हुई ये प्रशांत महासागर में बेरिंग सागर में गिर जाती है। तो जैसा आपने बताया था कि अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, वो इस तरफ अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है पूरब से, पश्चिम में ये प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है और उत्तर में यह आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका और कनाडा की कुछ नदियाँ अटलांटिक महासागर में गिरेंगी, कुछ नदियाँ प्रशांत महासागर में गिरेंगी और कुछ नदियाँ आर्कटिक महासागर में गिरेंगी। देखिए, आर्कटिक महासागर में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, आर्कटिक महासागर में गिरने वाली उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदी है मैकेंजी नदी, इसको आपको याद रखना है। और प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियों में जैसे हमने एक नदी को डिस्कस कर लिया, कोलोराडो नदी, ठीक है, ये प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। प्रशांत महासागर में गिरने वाली एक नदी को हमने डिस्कस कर लिया, कोलंबिया नदी, ठीक है, कोलंबिया नदी प्रशांत महासागर में गिरती है। एक नदी आपको और जो है सीखनी है, फ्रेजर नदी, ठीक है, कनाडा में ये बहती है फ्रेजर नदी। और कनाडा का एक प्रसिद्ध शहर है वैंकूवर, जहाँ पर एक बहुत ऐतिहासिक घटना हुई थी, कामागाटा मारू घटना। तो वो जो वैंकूवर शहर है कनाडा का, ये वैंकूवर शहर फ्रेजर नदी के मुहाने पर बसा हुआ है। और प्रशांत महासागर में गिरने वाली एक अन्य नदी है यूकान नदी। तो यूकान नदी, फ्रेजर नदी, कोलंबिया नदी, कोलोराडो जैसी नदियाँ ये प्रशांत महासागर में गिरती हैं। जबकि अभी आपने पढ़ा मिसिसिपी नदी हो गया, ये अटलांटिक महासागर में मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। सेंट लॉरेंस नदी हो गया, ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी में अटलांटिक महासागर में गिरती है। और हडसन की खाड़ी का संबंध भी अटलांटिक महासागर से है, तो चर्चिल नदी भी बेसिकली इसका संबंध अटलांटिक महासागर से होगा। और ये देखिए मैकेंजी नदी है, ठीक है, मैकेंजी, जैसे कनाडा में टैगा वन पाए जाते हैं बच्चों, टैगा वन का मतलब जो कोणधारीपन है, कोनीफेरस फॉरेस्ट है, और इन कोणधारी वनों के अंतर्गत, ठीक है, हम जैसे ऐसे कोणधारी वन होते हैं, ये बच्चों कोणधारी, ठीक है, कोणधारी वन, शंक्वाकार वृक्ष, और इन शंक्वाकार वृक्षों में जैसे स्प्रूस का वृक्ष है, फर हो गया, चीड़, पाइन, इसी को पाइन भी बोला जाता है, ठीक है, स्प्रूस, फर, चीड़, पाइन, ये जितने भी वृक्ष हैं वो सब टैगा वनों के अंतर्गत आते हैं, टैगा वन, ठीक है, इनको आप टैगा वन भी कह सकते हैं, टैगा भी बोल सकते हैं, इनको कोनीफेरस फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं। तो मैकेंजी नदी शंक्वाकार क्षेत्रों या शंक्वाकार वनों से होकर के प्रवाहित होती है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी अमेजन का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन ए चिली, ऑप्शन बी पेरू, ऑप्शन सी इक्वाडोर, ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो इसका सही जवाब है पेरू। जो अमेजन नदी है, अमेजन नदी जिसकी लंबाई लगभग 6400-6500 किलोमीटर है, इसका उद्गम पेरू से होता है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। जल के आयतन के आधार पर ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। कई मामलों में अमेजन नदी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, जैसे अमेजन नदी के आसपास बहुत बड़ी मात्रा में सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिनको ब्राज़ील में सेल्वा के नाम से जाना जाता है। और इन अमेजन वनों में दुनिया की सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। और अमेजन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ये तमाम सारे सवाल अमेजन से संबंधित हैं। तो आइए मैप में समझते हैं अमेजन नदी को। अब तमाम सारे अनुसंधानों से लगभग इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि अमेजन नदी का उद्गम एंडीज पर्वतमाला से होता है। और किस देश से होता है? पेरू से, ठीक है। अमेजन नदी, जैसे यहाँ पर ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है, ये देश चिली है बच्चों, ये पेरू है, ठीक है। तो पेरू से अमेजन नदी का उद्गम होता है, ठीक है। पेरू और ब्राज़ील से प्रवाहित होते हुए यह अटलांटिक महासागर में गिरती है।
तो अगर पूछा जाए कि अमेजन नदी अपना मुहाना कहाँ पर बनाती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है, ब्राज़ील से डेल्टा का निर्माण करती हुई। लंबाई लगभग इसकी 6400-6500 किलोमीटर लंबाई है। जैसे हमने पिछले वीडियोज में नील नदी के बारे में पढ़ा है, लगभग 6648-50 किलोमीटर लंबाई नील नदी की है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की भी सबसे बड़ी नदी है। और ठीक है, अमेजन बेसन के अंतर्गत अगर हम बात करें तो अमेजन बेसन के अंतर्गत पेरू आ जाता है, चिली पेरू देश आते हैं। पेरू के बाद में जैसे इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राज़ील, बोलीविया जैसे देश अमेजन बेसन के अंतर्गत आते हैं। अमेजन बेसन से मतलब है कि अमेजन की सहायक नदियाँ, उनकी सहायक नदियाँ, ठीक है। और ये पूरा जो क्षेत्र है वो अमेजन बेसन के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कई सारे देशों में अमेजन बेसन का विस्तार है। इन देशों में आपका पेरू देश है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है, ब्राज़ील है, बोलीविया जैसे देश इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो देखिए, अमेजन नदी है, इसका उद्गम पेरू से होता है, एंडीज पर्वत से, ब्राज़ील से, अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। और इसकी कुछ सहायक नदियाँ, ठीक है, हालांकि इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं और हर सहायक नदी इसकी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ के नाम हम आपके सामने ले रहे हैं। अगर याद हो सके तो इनको ज़रूर याद करिएगा। और अगर सभी सहायक नदियों को जो जो हमने यहाँ पर बोल्ड करके लिखा हुआ है आप नहीं याद कर सकते, तो कम से कम अमेजन की एक सहायक नदी ज़रूर आपको पढ़ करके जाना होगा, और उस नदी का नाम है मडीरा, ठीक है। अमेजन की एक सहायक नदी है मडीरा। मडीरा क्यों? क्योंकि अमेजन की यह सबसे बड़ी सहायक नदी है बच्चों। और दुनिया की जितनी भी सहायक नदियाँ, जैसे भारत में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी हम लोग अमेजन पढ़ते हैं, सॉरी यमुना पढ़ते हैं, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी हम लोग सुबनसिरी पढ़ते हैं, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदियों में हम लोग सतलज चिनाब वगैरह को पढ़ते हैं। तो दुनिया की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं उन सहायक नदियों में जो सबसे बड़ी, सबसे लंबी सहायक नदी है वो नदी है मडीरा, ठीक है। तो मडीरा एक तो अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है और दुनिया भर की सहायक नदियों में सबसे बड़ी सहायक नदी है मडीरा। मडीरा के अलावा जरुआ, पुरुष, तपाजोस, ये, ठीक है, ये सब राइट हैंड साइड से मिलती है। अमेजन की लेफ्ट हैंड साइड से मिलने वाली नदियों में जपुरा, नोग्रो, पारी, जारी जैसी नदियाँ अमेजन की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट सवाल, कौन सी नदी वेनेजुएला और कोलंबिया की सीमा बनाती है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऑप्शन इसमें है ओरोनिको नदी, ऑप्शन बी अमेजन नदी, ऑप्शन सी पराना नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वेनेजुएला और कोलंबिया की सीमा बनाने वाली नदी है ओरोनिको नदी, ठीक है, ओरोनिको नदी। ओरोनिको नदी का उद्गम वेनेजुएला से होता है और वेनेजुएला और ब्राज़ील, ठीक है, में एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है जिसको परिमा माउंटेन के नाम से जाना जाता है। तो ओरोनिको नदी परिमा माउंटेन से निकलती है वेनेजुएला से, और यह नदी वेनेजुएला और कोलंबिया की सीमा बनाती हुई वेनेजुएला से अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। देखिए, वेनेजुएला की एक सहायक नदी है जिसका नाम है कैरोनी नदी बच्चों, ये वेनेजुएला की सहायक नदी है। और इस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसको कहा जाता है एंजिल जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसको कहा जाता है एंजिल जलप्रपात। और इस जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 979 मीटर के आसपास है। और यह एंजिल जलप्रपात किस देश में है? वेनेजुएला में है। तो कम से कम दो से तीन सवाल कंपटीशन के लिए आपको इससे मिल जाते हैं। जैसे दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात। किस नदी पर बना हुआ है? कैरोनी नदी पर बना है। और किस देश में है? वेनेजुएला में है। कैरोनी किसकी सहायक नदी है? ओरोनिको की सहायक नदी है। और एक तथ्य और सुनिए ओरोनिको से, देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल के भंडार वेनेजुएला में है। हालांकि तेल का उत्पादन
सबसे ज़्यादा वेनेजुएला नहीं करता है, लेकिन विश्व में सबसे बड़े तेल के भंडार वेनेजुएला में है। और वेनेजुएला में दो क्षेत्र अपने तेल के भंडारों के लिए जाने जाते हैं। एक तो जाना जाता है मरकैबो झील क्षेत्र। आगे विश्व की झीलों में इस पर, ठीक है, हम चर्चा करेंगे। मरकैबो झील वेनेजुएला की प्रसिद्ध झील है। और दूसरा है बच्चों ओरोनिको बेसिन। तो वेनेजुएला में दो ऐसी जगह हैं, जैसे अपने यहाँ भारत में अंकलेश्वर, खंभात वगैरह, या भारत में बॉम्बे हाई, ठीक है, ये तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार से वेनेजुएला में तेल उत्पादन के लिए या तेल ऑयल रिजर्वायर के लिए प्रसिद्ध जगह है, एक तो मरकैबो झील क्षेत्र और दूसरा है ओरोनिको बेसिन, ठीक है। ये ओरोनिको बेसिन ओरोनिको नदी ही है, ठीक है। और देखिए, जैसे हमने बताया, कैरोनी ओरोनिको की सहायक है और उस पर दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, एंजिल जलप्रपात। आइए मैप के द्वारा समझते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो आज आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये एंजिल जलप्रपात का है, ठीक है, एंजिल जलप्रपात का है। आप देख रहे हैं ये जो पानी है, ये पानी लगभग 979 मीटर की ऊंचाई से गिर रहा है, ठीक है, लगभग 1 किलोमीटर। आप कल्पना करिए कि जल 1 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे की ओर गिर रहा है। ये वेनेजुएला में है, कैरोनी नदी पर, इसका नाम है एंजिल जलप्रपात। और इधर मैप से आप समझिए, ठीक है, ये जब आप मैप में देखेंगे ओरोनिको नदी को, तो आप देखिए ये ब्राज़ील है, ये बच्चों कोलंबिया है, और ठीक है, और ये आपका इक्वाडोर है। तो ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील और इक्वाडोर, ठीक है, के बॉर्डर पर एक माउंटेन है, परिमा माउंटेन से ओरोनिको नदी का उद्गम होता है। और ओरोनिको नदी इक्वाडोर से कहाँ पर गिर जाती है, अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। अगला सवाल, विश्व का तीसरा सबसे लंबा बांध इताइपू किस नदी पर है? ऑप्शन ए पराना, ऑप्शन बी पराग्वे, ऑप्शन सी उरुग्वे और ऑप्शन डी लाप्लाटा, ठीक है, लाप्लाटा। तो देखिए, इसका सही जवाब है पराना नदी। अब जहाँ तक पराना नदी का सवाल है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में दूसरी सबसे बड़ी नदी है पराना नदी। लंबाई लगभग 4000 किलोमीटर के आसपास आप कह सकते हैं पराना नदी। और असल में एक रिवर सिस्टम है जिसको हम लोग पराना, पराग्वे, उरुग्वे, ठीक है, और फिर यही नदियाँ तीनों मिलकर के रियो डी प्लाटा के नाम से जानी जाती हैं। तो आइए समझते हैं पराना, ठीक है, और पराना नदी तंत्र को मैप के माध्यम से। देखिए, पराना नदी का उद्गम ब्राज़ील में मोंटी क्वेरा माउंटेन से होता है, ठीक है। तो पराना नदी का उद्गम ब्राज़ील में मोंटी क्वेरा माउंटेन से होता है। और शुरुआत में इस नदी को रियो ग्रैंडे नदी कहते हैं। अब वो रियो ग्रैंडे अलग है जो हमने अमेरिका और मेक्सिको के संबंध में पढ़ा हुआ है। तो जब ये नदी मोंटी क्वेरा माउंटेन से निकलती है, तो उसको रियो ग्रैंडे के नाम से जाना जाता है। एक नदी है, ठीक है, जिसका नाम है पारानाइबा। जब रियो ग्रांडे और पारानाइबा नदी आपस में मिल जाती हैं, तो इसका नाम हो जाता है पराना। जैसे भारत में हम लोग देखते हैं कि जब देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ आपस में मिल जाती हैं, तो संयुक्त जलधारा का नाम गंगा हो जाता है। तो उसी प्रकार से जब रियो ग्रैंडे और पारानाइबा नदी आपस में मिल जाती हैं ब्राज़ील में, तो इसका नाम पराना हो जाता है। बहरहाल, इस नदी का उद्गम ब्राज़ील से होता है, मोंटी क्वेरा माउंटेन से। फिर ब्राज़ील से निकल करके ये नदी पहुंचती है पराग्वे, ठीक है, ब्राज़ील से निकल करके ये नदी पहुंचती है पराग्वे। और पराग्वे और ब्राज़ील के बॉर्डर पर, ठीक है, आप देखिए, ठीक है, ये पराग्वे है। पराग्वे और ब्राज़ील के बॉर्डर पर, यहीं पर इस नदी पर तीसरा सबसे लंबा बांध बना हुआ है दुनिया का, जिसे इताइपू डैम कहते हैं, ठीक है। तो इताइपू डैम कहाँ पर है? ये ब्राज़ील और पराग्वे के बॉर्डर पर बना हुआ है, पराना नदी पर बना हुआ है, ठीक है। ब्राज़ील से पराग्वे और फिर ये जाती है बच्चों अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना जाती है। अच्छा, इसकी एक कहानी तो हमने समझ ली। अब इसकी पराना नदी में देखो, दो प्रमुख नदियाँ आकर के मिलती हैं। एक तो नदी मिलती है पराग्वे, आप जानते हैं एक देश का भी नाम है और एक नदी का भी नाम है।
तो इसमें एक नदी मिलती है पराग्वे और एक नदी मिलती है उरुग्वे। अब उरुग्वे भी एक देश का नाम है और एक नदी का नाम है। जहाँ तक पराग्वे नदी का सवाल है, तो पराग्वे नदी का भी उद्गम ब्राज़ील से ही होता है, ठीक है। ब्राज़ीलियन हाईलैंड से ये नदी निकलती है, ब्राज़ील से निकलती है, फिर ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील और लगभग बॉर्डर को, सॉरी, बोलीविया को टच करते हुए ये नदी भी पराग्वे में आती है। ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये देश है बेटा बोलीविया, ठीक है, ये देश है बोलीविया। तो पराग्वे नदी निकलती ब्राज़ील से है, ठीक है, बोलीविया को लगभग स्पर्श करती है और फिर ये पराग्वे में एंटर करती है, ठीक है। फिर ये पराग्वे में, ये जो देश है, ठीक है, वो आपको पराग्वे दिखाई दे रहा है, ये बोलीविया से पराग्वे आती है और फिर पराग्वे से अर्जेंटीना आती है, ठीक है, अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना में ये नदी पराना नदी से जा करके मिल जाती है। तो पराग्वे नदी का जहाँ तक सवाल है, तो उद्गम इसका ब्राज़ील से होता है। ब्राज़ील से बोलीविया, पराग्वे और अर्जेंटीना में आकर यह पराग्वे नदी मिल जाती है। अब उरुग्वे नदी को देखिए, उरुग्वे नदी का भी उद्गम ब्राज़ील से होता है। ब्राज़ील से निकल करके ये उरुग्वे देश आती है, जिसकी राजधानी मोंटेवीडियो है उरुग्वे की। उरुग्वे आती है और अर्जेंटीना में, ठीक है, पराना नदी अटलांटिक महासागर में जहाँ पर अब मुहाना बनाती है, उसके थोड़ा पहले उरुग्वे नदी पराना नदी में आकर के मिल जाती है। जब उरुग्वे नदी पराना और पराग्वे के संयुक्त जल में मिलती है, तो फिर इसका नाम हो जाता है रियो डी ला प्लाटा, ठीक है, रियो डी ला प्लाटा। यानी यानी पराना नदी, पराग्वे नदी, ठीक है, पराग्वे नदी और प्लस उरुग्वे नदी, जब ये तीनों नदियां आपस में मिल जाती हैं, तो इस नदी का नाम हो जाता है रियो डी ला प्लाटा, ठीक है। और फाइनली फाइनली ये रियो डी प्लाटा आप देख रहे हैं, साउथ अटलांटिक सी, दक्षिण अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर में जाकर के गिर जाती है, ठीक है। ये है पराना पराग्वे नदी तंत्र। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए, न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा बच्चों, जैसे न्यूयॉर्क अमेरिका का बहुत फेमस शहर है, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और यूनाइटेड नेशन के अन्य जो बॉडीज हैं उनका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है। तो न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे पर स्थित है, हडसन नदी के किनारे पर स्थित है, और ये जो पोटोमैक लिखा हुआ है इसको याद रखे रहना। यूएसए की जो राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, यूएसए की जो राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, ये वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे पर स्थित है। तो वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे पर स्थित है, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे पर स्थित है, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे पर कौन कौन से फेमस शहर, ये हमने आपको बता ही दिया है, जैसे क्यूबेक मॉन्ट्रियल जैसे शहर, चर्चिल नदी ये कनाडा में बहती है, हडसन की खाड़ी में गिरती है, ठीक। तो ये देखिए, ये न्यूयॉर्क एक प्रांत है अमेरिका का, एक शहर भी है बेटा। तो न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क ये हडसन नदी के किनारे पर स्थित है न्यूयॉर्क। एक बार जैसे जो हमने नदियाँ पढ़ी हुई हैं, ठीक है, जैसे आप रिवाइज कर लीजिएगा, जैसे ये नदी है कोलोराडो नदी, कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, ये आप देख रहे हो। रियो ग्रेंडे नदी है, ये आपकी मिसिसिपी नदी है, ठीक है, मिसिसिपी नदी है, ये आपकी बच्चों मिसौरी नदी है, ओहियो नदी है, यहीं से टेनेसी नदी आकर के मिलती है, ये सेंट लॉरेंस नदी सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है, ये देखो चर्चिल नदी है, मैकेंजी नदी, ठीक है, मैकेंजी नदी है, यूकोन नदी है और ये फ्रेजर नदी है, और इसी फ्रेजर नदी के किनारे पर वैंकूवर शहर स्थित है। हाँ, अर्जेंटीना की राजधानी कभी पूछा जाए, ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो उसको बताएंगे पराना नदी, ये पराना नदी के किनारे पर स्थित है। और आज के सेशन का आखिरी सवाल, यूकॉन नदी को मैप के द्वारा समझिए, ठीक है, ये यूकॉन नदी का विहंगम दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, और ये यूकॉन नदी है, तो आप देख रहे हैं यूकॉन नदी कनाडा से निकलती है, ठीक है, ये कनाडा का झंडा है, और ये यूएसए अलास्का, अलास्का कनाडा का एक प्रांत है,
तो कनाडा से यूकॉन नदी निकलती है और ये यूकॉन नदी जा कर के बेरिंग सागर में या प्रशांत महासागर में गिर जाती है। तो ये थी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की नदियाँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं यूरोप महाद्वीप की नदियों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।